सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो मैं हूँ भाविक जोशी। मैं हूँ प्रियानी जोशी। वेलकम टू बीजे फूड चैनल। तो गाइस, आज मैं और प्रियू घूमते घूमते एक जगह पर आकर बैठे हैं, क्योंकि लिटरली मैं गाइस इस जगह के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा घूमे हैं। वैसे हमारा प्लान था कोई दूसरा वीडियो करने का। अभी वो दूसरा वीडियो बोलना मत कौन सा है, नहीं तो गाइस को पता चल जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा करने वाले हैं। हम लोग दूसरा वीडियो करने आए थे और अभी बैठे हैं दूसरा वीडियो करने के लिए। मतलब करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं, वैसा है ये। और फाइनली हमें प्लेस मिल गई है और आज हम कौन से चैलेंज करने वाले हैं। सो गाइस, आज मैं और प्रियू करने वाले हैं चाइनीज फूड ईटिंग चैलेंज। बट इसमें पता है क्या ट्विस्ट है, मुझे और प्रियू हम दोनों को ड्राई मंचूरियन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बराबर। सो मैंने और प्रियू ने यहाँ पर ड्राई मंचूरियन एक एक लिए है हाफ, बट उसके साथ आपको तो पता है प्रियू नूडल्स के लिए कितना पागल है। बहुत, मतलब बहुत पागल हूँ। और मैं राइस के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल हूँ, क्योंकि मुझे नूडल्स उतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे राइस काफ़ी टेस्टी लगता है। सो अभी क्या है दिखाओ अभी। तो सब आ गया नहीं, अभी नूडल्स के अलावा नूडल्स बाकी है। चलो अभी नूडल्स भी आ चुकी है। सो ये देखो, ये है हाफ मंचूरियन, ये मेरा ड्राई मंचूरियन आ चुका है, ये है फ्राइड राइस, ये है मेरा फ्राइड राइस जिसमें काफी ज्यादा मंचूरियन एडेड है, फिर ये है प्रियू की मंचूरियन नूडल, यस, फिर उसके बाद क्या है प्रियू के पास भी सेम वही है ड्राई मंचूरियन, इसका नाम भूल गई थी यार मैं मंचूरियन का नाम भूल गई थी, एंड ये है कैबेज का सैलेड, यस। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर टोटली फूड आ चुका है। सो आज हमें इसकी चैलेंज करनी है और लिटरली मैं गाइस आज की चैलेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और आज जो भी हारेगा ना उसके लिए बहुत ही बढ़िया पनिशमेंट है। सोच ले, आज अगर तू हारी ना तो इज्जत के धजाकर उड़ जाने वाले आज तो। और आज वैसे भी हम बाहर है तो पता नहीं भाई क्या पनिशमेंट देगा बाहर, मतलब पता है मुझे बाहर ऐसा डरना मुझे भी चाहिए। वैसे अभी तू भी मुझे हरा सकती है, खुद को अंडर एस्टिमेट कर दी ना गाइस। इसकी एक प्रॉब्लम क्या, ये खुद को चैलेंज के पहले ही अंडर एस्टिमेट कर देती है, इसके लिए ये हर चैलेंज हार जाती है। सब मेरे माइंड में ना फिक्स कर देते कि नहीं तो हार जाएगी, नहीं तो हार जाएगी। सब मतलब क्या, घर पे सब लोग तुझे ऐसी ट्रेनिंग देते हैं क्या? और पता है गाइस, मुझे बाहर पनिशमेंट करने में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा शर्म आती है। तो तुझे क्या, किसी को भी ज्यादा ही शर्म आएगी, क्योंकि ये बहुत पागल लड़का है, क्योंकि वो कुछ भी मुझे दे सकता है कि ये कर ले, ये खा ले, इसको ये बोल दे, जोर से चिल्ला, ये कर वो कर, कुछ भी बोल देगा। इसलिए मुझे एक आइडिया तो अभी इसने ही दे दिया है मुझे, वो मेरे दिमाग में नहीं था बट वो अभी इसने मुझे आइडिया दे दिया है, थैंक यू। अगर मैं जीता ना तो तुझे वही सेम दूंगा पनिशमेंट में। और चलो गाइज, भैया ने बहुत गर्मा गर्म हमें फूड दिया है तो ठंडा हो गया होगा शायद थोड़ा। क्या शायद, अभी अभी जब बना है ये फास्ट फूड, किसको कहते हैं फास्ट बना के देते, उसको फास्ट फूड कहते हैं। मेरी नूडल्स तो अभी जस्ट बनी है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो इसलिए तो अभी सबसे पहले ड्राई मंचूरियन कम्प्लीट करना। तो चलो गाइज, अभी हम ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1, रेडी? यस, स्टार्ट। मंचूरियन काफी सॉफ्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत गर्म है। गाइस आपको सच्ची में बताऊं, आप मुझे ड्राई मंचूरियन दो ना, उसके ज्यादा मुझे ये जो नूडल्स के या फिर राइस के अंदर जो मंचूरियन एडेड होते ना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हर बार मेरे मंचूरियन में उठाते रहते हैं ये। सच में गाइस बहुत ही टेस्टी है। वैसे गाइस सारी चीज़ें काफ़ी यम्मी है लिटरली में, और मंचूरियन तो भाई इतने सॉफ्ट है कि अगर मुँह में रखते हो तो डायरेक्ट पिघल ही जाते, पिघल ही जाते ऐसा बोलूँ तो चलेगा। चलो मैं, हाँ एकदम मस्त गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। ओ भाई, ट्राई कर सकता, उसमें क्या है, तूने मेरा राइस ट्राई नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मुझे नूडल्स पसंद आई है, फर्स्ट टाइम। प्रियू को पूछा, जब भी नूडल्स होती है मैं खाता हूँ, जब मम्मी बनाती है तब मैं खाता हूँ, बट बाहर से नूडल्स आती है मैं उतनी नहीं खाता हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है और इतना गरम गरम फूड खाने में, वो भी चाइनीज आइटम हो, बहुत मजा आता है। रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि हमारी जो रिंग लाइट थी वो बंद हो चुकी थी, इसलिए जल्दी खा।
गाइस मेरा क्या है, ड्राई मंचूरियन खत्म हो गया है, कंप्लीट कर दिया मैंने। मेरी अभी तक एक भी प्लेट कंप्लीट नहीं हुई है, बट उन्हें एकदम कंप्लीट होने के कगार पर ही आज प्रियु को पक्का पनिशमेंट मिलेगी। ये देखो गाइस मंचूरियन चोर। अगर हम दोनों में से खाना चोर अगर कोई है तो वो मैं हूँ। पहले हम लोग क्या है, जब हम लोग हमारी चैनल नहीं थी बीजे फूड चैनल, हम लोग वीडियो शूट नहीं कर सके, तब भी प्रियु ये मंचूरियन ये नूडल्स लेके आती थी। प्रियु को तब छोटी थी, इसके सारे जो मंचूरियन वो मैं अकेले खा जाता है, क्योंकि इसको भाई पहले से मंचूरियन नहीं पसंद थे, अभी अभी इसको मंचूरियन अच्छे लगने लगे हैं। हाँ। और वैसे प्रियु के नूडल में काफी ज्यादा मंचूरियन है। नजर मत लगा यार मुझे, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं होगा। अरे भाई गर्म है इसलिए। क्या गर्म है इसलिए, मेरा भी सब कुछ गर्म ही था। कोई नहीं गाइस, चलो अभी यहाँ पर प्रियुड़ी हार चुकी है। कुत्ता हमारी एक्टिया के पास है, क्योंकि हमारी एक्टिया के ऊपर हमारा कैमरा का बैग है। ओ ओ ओ, ओ, ओ। मैं प्रियु को कमर में बाइट कर दे। तो कोई नहीं गाइस, चलो अभी प्रियु हार चुकी है, तो इसकी पनिशमेंट को हम लोग बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं मैं प्रियु को कौन सी पनिशमेंट दे सकता हूँ। तुझे क्या लगता है? पता नहीं, पागलों का भरोसा नहीं होता। वैसे तो है, पागलों का तो कुछ भी भरोसा नहीं होता है, बट आज देखते हैं क्या करना है मुझे। सो गाइस अभी मैंने प्रियु के लिए यहाँ पर पनिशमेंट सोच ली है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक रेड बाउल में है कैबेज, और ये कैबेज कच्ची है, और ये कच्ची कैबेज प्रियु को खानी है। ओके ब्रो। बट ऐसे ही नहीं खानी है, तो इतनी खुश मत हो, कहानी में एक ट्विस्ट है। कच्ची कैबेज खाना ये तेरी पनिशमेंट नहीं है। चीकू को मैं फूड कैसे खिलाता हूँ, उसका जो गाइस चीकू के लिए हम लोग न्यू बिस्किट लेकर आए हैं, जो डॉग फूड आता है वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है, पता है? हाँ, पता है। मैं उसको कैसे खिलाता हूँ, ऐसा हाथ में लेगा फिर ऐसे खिलाएगा फिर, और चीकू ऐसे मैं ऐसे खाता हूँ या चीकू ऐसे खाता है? नहीं फिर वो नॉर्मल डॉग जो खाते है, नॉर्मल डॉग कैसे खाते है वैसे ही, बट प्रियु को उस तरीके से कैबेज खानी है। यस, मैं प्रियु को आज चीकू जैसे अपना फूड खाता है वैसे ही प्रियु को आज मैं कैबेज खिलाने वाला हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं चीकू को वो जो फूड है वो किस तरीके से खिलाता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी क्लिप में, यहीं पर आपको ये क्लिप दिखा दूंगा। शायद चीकू ने खा लिया है ना क्या फूड उसका? हाँ। अभी उसका पेट भरा होगा या नहीं पता नहीं, अगर थोड़ी उसके साथ 10-15 मिनट खेलेंगे ना तो आराम से वापस खाना आ जाएगा। भाई नहीं यार, भाई सब बाहर है। तो क्या है, हारी है, सबके सामने ही हारी है। भाई यार नहीं प्लीज, एक काम कर दे, अभी पता है सीन क्या है। देखो हम जहाँ पर है वहाँ पर जो चाइनीज का स्टॉल है वो हमारे यहाँ अलग सभी लोग आए हैं, वो भी मेन रोड पे है भाई, मेन रोड पर है, और सब यहाँ से देखो, रुको आस पास देखो, सभी लोग यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि जा रहे हैं, एग्जैक्ट हमारे फेस टू फेस आ रहे हैं, तो अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो ये मैंने इतनी कैबेज ली है, आप देख लो अपनी आंखों से देख लो गाइस, इतनी कैबेज ली है। मैं नहीं खाने वाली है सर, तुझे खाना पड़ेगा। तू क्या मुझे चीकू समझता है? तू मेरा चीकू नहीं, तू मेरा पीकू है, तेरा नाम प्रिय नहीं, तू मेरा पीकू है, पीकू। चल ये ले पीकू, खा ले भाई। नहीं सब बैठे सामने, चल खा ले, चल चल खा ले, इज्जत से गिला हो ऐसे मत कर। चल ले चीकू, खा ले, ले प्रियु, ए चल रख, चल जैसे पनिशमेंट है प्रियु, देख अभी इसमें देर करेगी ना तो ये देख ऐसे ऐसे कैबेज बढ़ती जाएगी, तुझे खुद आना है, तुझे खुद आना है, ऐसा नहीं। चल 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 चल, हाथ नजदीक लाया है भाई, हाथ नजदीक, चीकू खुद आता है, हाथ का यूज नहीं, चीकू हाथ का यूज करता है। हाँ चल, पूरी थोड़ी खानी है, पूरी खानी है, इतनी हाथ में उतनी तो खानी ही पड़ेगी ना। चीकू नो हैंड। तू ये हाथ का यूज करके चीटिंग कर रही है। हाँ चल जल्दी चल, जल्दी चल,
आड़ू 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 भाई मस्ती मत कर, सब देख रहे हैं यहाँ पे। चीकू कैसे करता है? मैं ऐसे दूर ऐसा कर, तू भी ऐसा ही कर। ए पागल, चीकू बाइट, ये हाथ पे बाइट करता है, ये हाथ पे बाइट करती है यार। चीकू हाथ पे बाइट नहीं करता है। चला कर दे, इतना तो कंप्लीट करना ही है, पूरा कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर प्रियू की पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। वैसे तुझे प्रियू पनिशमेंट कैसी लगी वो तू बता। बहुत ही घटिया। घटिया नहीं, सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर मैं बात, अगर मैं पर पर्सन पूछने जाऊंगा तो सभी लोग बोलेंगे बहुत ही बढ़िया पनिशमेंट थी। सब हंसेंगे यहाँ पर। मुझे नहीं हंसा, मुझे हंसना आ ही नहीं रहा, मुझे रोना आ रहा है भाई। सब देख रहे थे, कोई तुझे पहचान रहा है, कोई तुझे यहाँ पर पहचानता है? मतलब देख तो रहे हैं ना मुझे। उसमें क्या है, देखने दो, दुनिया का तो काम है देखना। ठीक है। क्या ठीक है, देखो इसको ऐसे मस्का लगाना पड़ता है। आसपास तो इतने हैं, बट आप लोग कितने वो इसको नहीं पता है। तो कोई नहीं गाइस, चलो अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और गाइस रुक 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 रुक। और गाइस वैसे हमने ये जो अमेजिंग फूड है वो हमने एंजॉय किया हाइजीनिक चाइनीज पर। yes. तो मैं यहाँ का आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। सो आप यहाँ पर ट्राई करने जरूर आ सकते हो। वैसे बहुत ही यम्मी फूड है यहाँ का, आप एक बार जरूर से आओ। मुझे ड्राई मंचूरियन तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट मंचूरियन मैंने कभी भी नहीं खाया। और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था। यस, टेस्ट भी काफी बढ़िया था। तो चलो, अभी तू कुछ बोलने वाली थी, हमारी चैनल का दूसरी भी चैनल है, हमारे सेकंड भी चैनल है विजय द ब्लॉगर, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।